इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान सदर अस्पताल में अभी अभी मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं सबसे पहले आपको अपने न्यूज टीवी सिवान चैनल के माध्यम से, जहां सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि मरीज को ऑक्सीजन लगाने को लेकर सिवान सदर अस्पताल के डॉक्टर और परिजन के बीच यह विवाद हुआ है। वहीं मौके पर समाजसेवी श्रीनिवास यादव और स्थानीय प्रशासन सिवान सदर अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर और मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। शांत कराने के बाद समाजसेवी श्रीनिवास यादव ने मरीज को महाराजगंज अनुमंडल में भेज दिया और उन्होंने अपील भी की जिस व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो वह महाराजगंज से अपना इलाज कराए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज सिवान सदर अस्पताल में अचानक वैसे मरीज और डॉक्टर के बीच के स्टाफ में सदर अस्पताल के कुछ हल्का झड़प हो गया। जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे मरीज आ गए थे, एक बाइकी जो कह रहे थे कि गाड़ी में इसका इलाज कराइए, और गार्जियन को नहीं जानकारी के अभाव में हल्का फुल्का झड़प हो गया, जिससे सदर अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गया। बाकी हम लोग जैसे ही जानकारी मिला उसे जाके समझाने के काम किए, शांत करा के जो पेशेंट आए थे उसको उचित इलाज के लिए महाराज ने हम लोग भिजवाने का काम किए। उसके बाद से समान हो गया और सदर अस्पताल में इलाज अब पूर्ण समान रूप से चल रहा है। नाम श्रीनिवास यादव समाज।